छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम होती हैं। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखो, क्योंकि आखिर में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ यही होता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। किसी ने एक फकीर से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचें ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बेफजूल सोचते हैं, गैर ज़रूरी सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। रिश्तों को कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है, जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह पर ले जाते हैं और बड़े कमरे अक्सर गुमराह कर देते हैं। चार चीज़ें जिंदगी का सुख चैन छीनती हैं, नींद में कमी होना, बीमारी में काम करना, तेज़ आवाज़ में बात करना, और सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। खुद को बर्बाद करना हो तो अपने समय को बर्बाद करो, और खुद को कुछ बनाना है तो अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, दिल को दयालु रखो, और हमेशा आज में जियो, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज और केवल आज है। इसे एक बार खोकर हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लेना उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज़्यादा पता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, समझ लेना वो लोग आपसे डरते हैं। जिस पेड़ की लकड़ी नरम होती है उसकी शाखाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। अपनी तबीयत में नरमी लाओ, ताकि रिश्तों को अच्छे से संभाल सको। इंसान का बीता हुआ कल चाहे कितना भी गुनाहों से भरा हो, पर उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच की कड़ी पश्चाताप हो। सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। और बुराई का रास्ता खूबसूरत होता है, लेकिन मंजिल तबाही ही होती है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। एक समझदार इंसान वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। अगर आप ये कहने के बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज़्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।